नमस्कार दोस्तों वेलकम टू बाइजूज गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से जो कि आपके आगामी परीक्षा चाहे वह बिहार एसआई SI हो या यूपीएसआई SI हो दिल्ली पुलिस हो एसएससी हो ऑल कंपिटेटिव एग्जाम में आपको यह मदद करेगा तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं पहला राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का नाम तो सुना होगा दोस्तों दागो और भूल जाओ यानी भारत ने हेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो मिसाइल को कहां से राजस्थान देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पौर है कि राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह किया गया और इसको विकसित किसने किया गया किया है ध्यान रखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी आर यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो दोस्तों नाग के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने चर्चा की हुई है कि नाग प्रक्षेपास्त्र यह तीसरी पीढ़ी का यानी थर्ड जनरेशन का भारत द्वारा यानी स्वदेशी निर्मित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है यानी दागो और भूल जाओ टैंक रोधी इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको क्यों इस तरह कहा जाता है क्योंकि इसको एक बारी से दागे जाने के बाद पुनः निर्देशित कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पहली बार इसे उन्नीस में ध्यान रखेंगे इसका सफल परीक्षण किया गया था 1990 में और फिर 2019 में डीआरडीओ ने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का पोखरण में फायरिंग रेंज में राजस्थान में सफल परीक्षण किया था और अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फिर से परीक्षण किया गया तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण तो है और इसी में एक खबर हमने और इसी में डाल दिया है डीआरडीओ कंटिन्यू एयर लॉन्च्ड मिसाइल एमडिस्ट ऑनगोइंग टेंशन विद चाइना यानी इस समय आप देख सकते हैं कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है जैसा कि हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं आजकल तो एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित कर रहा है जो कि दस किलोमीटर रेंज होगी दिया है ना यहाँ पर देखिए पॉइंट दस किलोमीटर से अधिक की स्टैंड दूरी से दुश्मन के टैंक को मार गिराने में यह सक्षम होगी इसके आने वाले दो महीने में परीक्षण किए जाएंगे और इस मिसाइल को कौन विकसित कर रहा है वही डी यानी आत्मनिर्भर भारत की बात किया जाए मेड इन इंडिया की बात की जाए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तो इसमें ध्यान रखेंगे भारत ने जो स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सेंट दो दिन अभी परसों कल के ही न्यूज में शायद हमने बताया था सफल परीक्षण किया था तो डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है और ऐसा माना जा रहा है कि नई एयर लॉन्च मिसाइल को रूसी मूल के एम आई ध्यान रखेंगे दोस्तों 35 हेलीकॉप्टर में जोड़ा जाएगा जिसमें एक बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता होगी तो एम आई पर जो मौजूदा रूसी मूल की सटर्म ध्यान रखिएगा टर्म यह महत्वपूर्ण है एस एच टी यू आर एम स टर्म ध्यान रखेंगे मिसाइल पांच किलोमीटर की रेंज में टैंकों को निशाना बना सकती है तो गणशिव के अन्य हथियारों में अलग-अलग कैलिबर के रॉकेट 500 किलोग्राम के बम बंदूकें तोप शामिल हैं तो दोस्तों इसे दिसंबर में पहली बार एमआई 35 हेलीकॉप्टर के गणशिव से लॉन्च किया जाएगा और इसमें ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है प्रक्षेपण के बाद मिसाइल में लॉक ऑन होगा क्या होगा एल ओ सी के लॉक ऑन होगा तो इसका क्या मतलब हुआ लॉक ऑन का मतलब यानी लक्ष्य का पता लगाना और लक्ष्य की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव के बावजूद मिसाइल द्वारा उसे निशाना बनाना वर्ष 2021 तक यानी के अंत तक परिचालन से पहले हेलीकॉप्टर से नई मिसाइल का कम से कम 8 से 10 परीक्षण किए जाने की योजना है तो डीआरडीओ द्वारा विकसित अभी हमने बताया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग इसका मारक क्षमता पांच किलोमीटर हेलीना इस सब की मारक क्षमता पांच किलोमीटर है तो यह दोनों खबरों को इसलिए हमने एक साथ जोड़ दिया ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण है आई एन एस कावर महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को पंडुबी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी आई कावर रत्ती को सौंपा गया यानी किसको दिया गया अब भारतीय जो सेना के प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को यह पनडुब्बी तो यह किस प्रोजेक्ट के तहत है यह भी प्रश्न आपसे बन जाएगा तो प्रोजेक्ट ट्वेंटी एट है इसके तहत स्वदेश निर्मित चार पंडुब्बी जिसमें से तीन पहले सौंपी जा चुकी है यह चौथी थी तो याद रखेंगे और आई एन एस कावरत्री की खासियत क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि एन जो आई एन एस में कावरत्री है आई एन एस कावरत्री जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि प्रोजेक्ट ट्वेंटी एट के तहत स्वदेश में निर्मित चार पंडुब्बी निरोधी जंगी स्टिल्थ पोत से में से यह आखिरी चूंकि इससे पहले तीन भेजा जा चुका है चौथा अब यह शामिल हो गया तो प्रोजेक्ट ट्वेंटी एट जो है दो हजार तीन में इसकी मंजूरी दी गई थी और इस परियोजना के तहत अन्य तीन युद्धपोत आईएनएस कामोरता सुना होगा इसे 2014 में कमीशन किया गया दिया है मैंने आईएनएस किल्टान 2017 में और आईएनएस कदमत एस है यह अभी दो हजार सोलह में तो इस तरह से युद्धपोत में जो 90 फीसदी जो इसमें इक्विपमेंट है इसमें जो उपकरण है वह स्वदेशी है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों और आईएनएस कावरत्री का डिजाइन भारतीय नौसेना के अंदरूनी संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है और इसका निर्माण कहाँ हुआ है यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है याद हो जाएगा और आईएनएस कावरत्री को पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट क्षमता से लैस किया गया है पनडुब्बी निरोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पोत को एक विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया गया है और यह लंबी दूरी के अभियानों के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है और दोस्तों आईएनएस कावरत्री 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्ध पोत आई एन एस के नाम पर मिला है और भूतपूर्व आई एन एस कावरत्री क्लास मिसाइल युद्ध पोत था यह भी पॉइंट तो देखा इसमें तीन से चार फैक्ट आसानी से निकल कर आए जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कोवि सीधे पूछ लेगा ये है क्या बहुत ही वन लाइनर है ध्यान रखेंगे इसको किसने तैयार किया दे देगा आईटी आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली आईआईटी मुंबई तो ध्यान रखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड 19 संक्रमण की त्वरित जांच के लिए कम लागत वाला उपकरण विकसित किया है और यह दावा किया जा रहा है कि इससे क्या होगा गरीब व्यक्तियों को लाभ मिलेगा तो इसका नाम क्या है सीधे पूछ लिया जाएगा कोविड राप और इसमें 400 से 500 रुपए का खर्च आएगा एक घंटे के भीतर तुरंत परीक्षण किया जा सकता है और इसे मोबाइल ऐप पे भी आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसकी इसकी एक कह सकते हैं कि एक खूबी है कि इसको मोबाइल ऐप पे देखा जा सकता है और अधिक सटीक परिणाम यानी जैसे यानी इसमें उपकरणों की लागत तो वैसे दो हजार रुपए तक आ रही है लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण इसकी कीमत घट सकती है और यह भी संस्थान ने इसको पेटेंट के लिए आवेदन भी कर दिया है और इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसको अप्रूव भी मिल गया है तो यह बहुत ही अच्छी खबर है हमारे देश के लिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मामलों में चर्चा करेंगे नासा इसे क्या, क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अब देखिए सीधे सीधे पूछ लेगा इसियान का नाम क्या है तो ओसिरिस रेक्स ने करीब चार साल की लंबी यात्रा के बाद यानी कब 2016 में यह छोड़ा गया था कहां से अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से फ्लोरिडा प्रांत दक्षिण में एकदम ध्यान रखेंगे वहीं पर टोर्नेडो वगैरह आता है मेक्सिको की खाड़ी के पास है वहीं नीचे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे हवाना कैरेबियन देश शुरू हो जाता है और इसका सबसे दक्षिणतम शहर याद रखना मियामी शहर है किसका फ्लोरिडा प्रांत में ही अवस्थित है और अंतरिक्ष यान के रोबोटिक हाथ ने क्षुद्र ग्रह की चट्टानों से धूलकण और पत्थर एकत्र किए हैं तो इसमें काफी यह जानकारी एकत्र किया है अब नमूना है यान के लिए जो बेनू का जो गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है क्योंकि इस क्षुद्र ग्रह की लंबाई महज 510 मीटर ही है यानी यान को तीन दशमलव तीन पांच यानी थ्री पॉइंट थ्री फाइव मीटर लंबे रोबोटिक हैं, के जरिए सतह से कम से कम कितना साठ ग्राम ध्यान रखेंगे साठ ग्राम नमूना लाना है तो इससे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे यह क्षुद्र ग्रह इसमें पृथ्वी से करीब थर्टी टू पॉइंट वन करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें थोड़ा सा हम ये तो हो गया कि उसने खोजा अब यहीं पर थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे कि यह रेक्स है क्या इसका फुल फॉर्म ही आ जाए तो आपके एग्जाम में कैसे करोगे तो यह 8 सितंबर 2016 को मैंने क्या कहा था फ्लोरिडा यानी कैप वहां पर भी सेंटर है वहां से लॉन्च किया जाता है और ध्यान रखेंगे को एटलस यू रॉकेट से प्रक्षेपित यह भी पूछ लेगा किस रॉकेट से तो एटलस यू रॉकेट से इस अंतरिक्षयान का निर्माण कौन सी कंपनी तो लॉक हिट मार्टीन स्पेस सिस्टम द्वारा किया गया है और इसका फुल फॉर्म देखिए ओरिजिनल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरेटरी एस्ट्रोराइड सैंपल रिटर्न मिशन यानी ओसिरिक्स रेक्स का पूरा नाम है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर एस्ट्रोराइड सैंपल रिटर्न मिशन तो वहां से सैंपल लाने के लिए यह मिशन है और नासा के इस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा पृथ्वी के समीप छुद्र ग्रह बेनू से नमूने और संग्रहण इकट्ठा किया जाएगा तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है ध्यान रखेंगे इसके बारे में और इसमें पांच उपकरण लगे हुए हैं ओ एल ए ध्यान रखेंगे रेक्स लेजर अल्टीमीटर कहते हैं इसी तरह से ओ टी एस इसको क्या कहेंगे ओसीरीस रेक्स थर्मल एमिसन स्पेक्ट्रोमीटर और ओ वी आई आर एस जो तीसरा है महत्वपूर्ण है ओ सीरीज रेक्स विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और ओ सी एम एस ओ सी एम एस इसका मतलब क्या हुआ वही ओ सीरीज रेक्स बताया आपको कैमरा सूट ध्यान रखेंगे और पांचवा है रेक्सिस यानी आर ई एक्स आई एस यानी क्या कहेंगे रेगोलिथ एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तो दोस्तों यह इस मिशन का उद्देश्य यह है कि क्षुद्र ग्रह पर वातावरण और उसकी बनावट के संबंध में सटीक जानकारी को एकत्र करना है और यह अंतरिक्ष अपनी रोबोटिक आर्म की मदद से क्षुद्र ग्रह की सतहों पर चट्टानों एवं खनिज तत्वों के नमूने एकत्र करेगा अब बहुत देर से बात आ रही है क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह यह होता क्या है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है यह भी आपसे पूछ लेगा तो यह याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मास जुपिटर आर कॉल एस्टिराइड किसे कहते हैं यानी मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह जैसे देखिए ना ये सूर्य है सबसे पहला कौन सा बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण इस तरह से है ना आठ ग्रह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नौवा ग्रह था प्लूटो जो कि अब बावना ग्रह है तो यहां पर देख रहे हैं तो यह यहां देख रहे हैं तो बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति यानी अब देखिए यहां पर यही बात आ जाती है तो इसी के बीच में यह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो बेनु भी क्या है एक क्षुद्र ग्रह है इसको इसका जो नामकरण किया गया है 1999 RQ36 के नाम से भी यह जाना जाता है याद हो जाएगा तो इस तरह से बेनू एक खगोलीय समय कैप्सूल के समान है जापानी अंतरिक्ष यान जिसको रायगु नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्रित करने के लिए पृथ्वी से रवाना हुआ था यह जापान का दूसरा क्षुद्र ग्रह मिशन है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर अमेरिका इसको लगा लेता है इसका पता लगा लेता है तो जापान चूंकि लगा चुका है तो दूसरा देश हो जाएगा और 2023 तक यह पृथ्वी पर लौट करके आएगा कौन ओसी रिक्स तो यह महत्वपूर्ण है विज्ञान से संबंधित खबर है अगला है बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में आज हम बात करेंगे एफडीआई अब 16% 27.1 बिलियन इन अप्रैल अगस्त गवर्नमेंट डाटा यह कहता है यानी देश में इस साल अप्रैल अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16 फीसदी बढ़कर एक अरब डॉलर रहा पिछले साल अप्रैल अगस्त के दौरान 23.35 यानी 23.35 अरब डॉलर का निवेश आया था तो मंत्रालय के बयान के मुताबिक कमाई को फिर से किए गए निवेश को मिलाकर अगर एफ की अवधि देखा जाए तो तेरह फीसदी बढ़कर थर्टी फाइव पॉइंट सेवन थ्री अरब डॉलर रहा यानी किसी वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में अब तक का सर्वाधिक एफ है 2019-20 के पहले पांच महीनों की तुलना में यह तेरह फीसदी अधिक है 2019-20 में यहां इकतीस दशमलव जीरो अरब डॉलर था और कुल एफ जो प्रवाह है 2008 से 14 के बीच में टू थर्टी वन पॉइंट थ्री अरब डॉलर की तुलना में 2014 से 20 में 55 परसेंट का उछाल आया और 358.29 अरब डॉलर रहा हालांकि दोस्तों इस वर्ष ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट सकता है कोरोना नामक महामारी के कारण पूरा वैश्विक स्तर पर समस्या है तो यहां ये ध्यान रखेंगे अब बात आ रही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है तो एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी कंट्री इन एनअर कंट्री इस कॉल्ड एफ यानी किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है याद हो जाएगा दोस्तों यह एकदम सरल भाषा में है इसे ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 2020 यानी किसने रिपोर्ट दिया है अंक टाट यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा यह रिपोर्ट जारी करता है 16 जून 2020 को विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया है जिसमें इंडिया हैज बीन रैंक यानी सुधार हुआ है नौवें स्थान पर प्राप्त हुआ टोटल बिलियन डॉलर इन 2019 पहले दूसरे पे चीन तीसरे पे सिंगापुर चौथे पे नीदरलैंड पांचवें पे आयरलैंड और भारत का स्थान नौवा था ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यह काफी महत्वपूर्ण और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मॉरिशस ये सब देशों से हम निवेश करते हैं मॉरिशस से तो रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो विकासशील एशिया में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत शामिल रहा है हालांकि 2020 में दुनिया भर में एफ में 40 फीसदी तक की गिरावट देखी जा रही है ड्यू टू कोरोना यानी कोविड के चलते कोविड 19 के चलते एशिया के विकासशील देशों में एफ डी प्रवाह वर्ष 2020 में 45 प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया गया है तो इस तरह से दक्षिण एशिया के देशों में भी एफ में 2020 के दौरान गिरावट का अनुमान है अब बढ़ते हैं अंकटाड तो अंकटाड क्या है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर कहां है तो जेनेवा में है इसके जो हेड हैं मुखीसा कितुई ये कहां के हैं कीनिया के हैं कीनिया अफ्रीकन कंट्री है कीनिया की राजधानी क्या है दोस्तों नैरोबी है याद रखेंगे और संस्थापक कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसका 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना तो अंक टाट क्या होता है रिपोर्ट जारी करता है और ये भी बताता है कौन गरीब कौन डेवलपिंग कंट्री कौन डेवलप्ड कंट्री है कौन लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है इन सब की पूरी रिपोर्ट जारी करता है कौन अंकटाड कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व में जूलिया जॉर्जेस थर्टी ईयर ओल्ड हैं इन्होंने सन्यास ले लिया टेनिस जगत विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट सीधे पूछ लेगा किस देश की है बस यही याद रखना जर्मनी की और वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में निनाद जिमनेजिक के साथ उप विजेता भी रही हैं और जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में पहुंची थी जूलिया 2011 में स्टूट और 2017 में मॉस्को और जुहाई में डब्ल्यू टी ट्रॉफी की विजेता रही हैं तो इन्होंने संन्यास ले लिया वर्तमान इनकी जो रैंकिंग है 45 थी लेकिन अभी हार का सामना देखना पड़ा जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया तो याद रखेंगे अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कार में आज भी पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो हमारी महान विभूतियों की चर्चा इसमें होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको दिया गया था भारत का पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में बंकिम आनंद मठ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले देश के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू चौदह नवंबर को नेहरू बाल दिवस के रूप में बच्चों के बड़े प्यारे थे इस बच्चों को बहुत प्यार करते इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है रिपब्लिक प्लूटो बहुत बड़ा दार्शनिक था पश्चात दर्शन का इसको जनक कहा जाता था वेस्टर्न फिलोसफी का ध्यान रखेंगे प्लूटो अनटू द लास्ट जॉन रस्किन रस्किन लियो टॉल्स्टॉय इन सब की पुस्तकों से ही तो प्रभावित थे कौन महात्मा गांधी इंडिया डिवाइडेड यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1946 में एं, एंट्रीम गवर्नमेंट जो बनी थी उसका भी इनको कृषि मंत्री बनाया गया था किसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और इसके बाद है इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत रत्न सबसे पहले 1954 में इन्हीं को मिला था और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर ध्यान रखेंगे दोस्तों अगला है वॉर एंड पीस लियोटॉल स्टाय ये भी बहुत चर्चित इनसे ही प्रेरित थे महात्मा गांधी जी और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स कहता है ना दुनिया के मजदूरों हो उसमें हो जाओ तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है सब कुछ पाना ही पाना है और दसवीं किताब है द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था और भारत में यह कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की अध्यक्ष बता चुका हूं आप लोग 1917 1917 1925 1933 इसमें याद रखना प्लस एट प्लस एट सत्रह आठ पच्चीस आठ तैंतीस तो यह तीन महिलाएं उन्नीस के बीच तक यानी 1885 से लेकर 1947 के बीच में तीन महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं वो कौन कौन सबसे पहली थी एनी बेसेंट इसी में आठ जोड़ दीजिए पच्चीस हो जाएगा सरोजनी नायडू और फिर आठ जोड़ दीजिए नलनीसेन गुप्त और यह कलकत्ता कानपुर कोलकत्ता तो यह कल, कलकत्ता अधिवेशन था 1925 का कानपुर अधिवेशन था और कलकत्ता अधिवेशन 1933 सौ तैंतीस में नलनीसेन गुप्त यह भी बाद में जाके इंग्लैंड में बस गई पहली भारतीय अगर बात की जाए कांग्रेस की अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हुई थी याद हो जाएगा अब बढ़ते हैं हम लोग खेल समाचारों में खेल समाचारों में चैंपियंस लीग चल रहा है तो लियोनेल मैसी लीग के लगातार 16 सत्र में गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं पहले फुटबॉलर बिकेम फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर इन 16 कॉन्सिक्यूटिव लीग सेशन तो यह बहुत ही इफेक्ट है सीधे याद रखिएगा आपके एग्जाम में आ जाता है और इसी में मैसी युवा अंशुफाती ये फुटबॉलर हैं ध्यान रखिएगा कभी कभी नाम आ जाता है मिलान करने को तो बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के अपने पहले मुकाबले में फेरेंक वारोस को पांच एक से हराया तो मैसी ने सत्ताईसवें मिनट में ही पेनाल्टी पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई और यह उनका लीग का कौन सा गोल है एक सौ गोल है सोचिए यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है और 37 लीग मैचों में अजय है बार्सिलोना की टीम घरेलू मैदान में और 23वीं बार बार्सिलोना ने लीग में अपनी शुरुआत मुकाबला जीता है। सिर्फ दो बार ही शुरुआती मुकाबला हारा है नहीं तो लगातार जीता है चैंपियंस लीग चल रही है लियोल मैसी का नाम तो सुना ही होगा लियोल मैसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं और 21 वर्ष की उम्र में ही इनको फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था ध्यान रखिएगा बहुत सारे पुरस्कार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर यह जीत चुके हैं तो इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं ध्यान रखिएगा दोस्तों अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस में तो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे यानी हकलाना तो स्टटरिंग जागरूकता दिवस प्रत्येक 22 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस बार का जो है थीम सीधे सीधे याद रखना जर्नी ऑफ वर्ड्स रिस एंड बाउंसिंग बैक तो ये ध्यान रखिएगा इस बार का थीम वर्ड है और जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है और अगला है नेशनल पुलिस कॉमरेशन डे यानी भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस कल ही मनाया गया था कल नहीं दे पाया था इसलिए हमने कहा आज दे देते हैं यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने उनके सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन कर्तव्य में पालन यानी यह सबसे महत्वपूर्ण है इक्कीस अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों द्वारा 20 सैनिकों पर हमला किया गया था तो उन्हीं शहीदों के सम्मान में पुलिस स्मारक दिवस मनाया जाता है अब हम लोग बढ़ते हैं लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आज हमने विज्ञान ही लगातार करा रहा हूं जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों देखिए बहुत सारी डिजीज होती है बैक्टीरियल वै, डिजीज फंगल डिजीज वायरल डिजीज तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वायरल डिजीज और किसकी बैक्टीरियल डिजीज की तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं सबसे पहला है विषाणु जनित रोग यानी विषाणुओं से वायरस से होने वाला रोग तो जैसे देखिए पहला दिया है गल सु तो इससे एक प्रभावित अंग क्या होगा पेरेटेड लार ग्रंथियां इसमें और लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है अग्नाशय में स्वेलिंग आ जाती है अंडाशय में स्वेलिंग आ जाती है सिर दर्द बुखार बना रहता है और इस रोग से इनफर्टिलिटी होने का बांझपन होने का खतरा हो जाता है दोस्तों ये सब इसके लक्षण हैं फिर दूसरा क्या है फ्लू या इन्फ्लुएंजा इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें बुखार शरीर में पीड़ा सिरदर्द जुखाम खांसी और तीसरा है रेबीज हाइड्रोफोबिया इसमें देखते हैं ना रेबीज जैसे डॉग के काटने से भी हो जाता है कुत्ते के काटने से हो जाता है तो तंत्र का नर्वस सिस्टम इसमें बुखार शरीर में पीड़ा पानी से भय होता है मांसपेशियां तथा तो स्वतंत्र लकवा भी हो जाता है इसमें बेहोशी बेचैनी एक घातक रोग होता है इसलिए टीका लगवाया जाता है अगर कुत्ता या कोई भी जानवर काट लेता है और खसरा इससे क्या होता पूरा बॉडी खसरा में मीजल्स कहते हैं फुल बॉडी इससे प्रभावित होता है तो इसमें क्या होता है बुखार आता है शरीर में खुजली आंखों में जलन आंखों और उसमें द्रव का बहना पानी निकलता रहता है और उसके बाद है चेचक देखते नहीं उसको हमारे यहाँ मतलब माना जाता है चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स सुना होगा ना तो इस तरह से चेचक पूरे शरीर विशेष रूप से चेहरे और हाथ पैर में जलन होती है बेचैनी पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं चिकन पॉक्स ध्यान रखेंगे दोस्तों पोलियो पोलियो मुक्त भारत की बात की जा रही है इसमें तंत्र का तंत्र सिस्टम मतलब खत्म हो जाता है मांसपेशियों के संकुचन में और हाथ पैर काम नहीं करता है तो उसी को पोलियो कहते हैं हर पीज इसमें त्वचा त्वचा के अंदर ही अंदर मतलब पक जाता है मांसपेशियों के संकुचन में और यहाँ पर आप देख सकते त्वचा में जलन शरीर में फोड़े टाइप के अंदर ही पड़ जाते हैं ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं और दोस्तों एंसेफिलाइटिस जापानी इंसेफ्लाइटिस आपने सुना होगा और यानी कि दिमाग की बुखार इसको कहते हैं अनिद्रा बेहोशी एक घातक रोग है बेचैनी और इसमें भी क्या होता है तंत्र का तंत्र ही इसमें प्रभावित होता है तो ये पूछ लेता है कि आप लोग परीक्षाओं में देखिए क्या पूछता है लक्षण पूछ लेता है या वायरस में जैसे कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाता है अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों में तो इसमें जो है जैसे कि बात करते हैं देखिए जीवाणु जनित में बहुत आसान है जो बैक्टीरिया का नाम है वह वह उसके नाम पर ही रहता है तब जैसे बी बीबीओ कॉलेरी तो हैजा क्या है कॉलरा कहते हैं ना हैजा तो कॉलरा कहते हैं हिंदी में तो बेबीओ कॉलेरी तो ये ला लास्ट में नाम जुड़ा रहेगा और इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम टीबी का टीबी का नाम तो सुना होगा राज क्षमा पहले राजाओं को होता था इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं माइको ट्यूबर इसमें क्या होता है फेफड़ा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें लंग्स जो है प्रभावित होता है खांसी आती है खांसी के साथ साथ ब्लड आने लगता है हाँ खांसी बुखार सीने में दर्द मुंह से रक्त आने लगता है फिर प्लेग रोग सुना होगा इसको पाश्चुरिला पेस्टिस कहा जाता है इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ इसमें लिम्फ नोड्स इससे प्रभावित होता है यह ध्यान रखेंगे प्लेग में और शरीर में दर्द तेज बुखार आंखों का लाल होना गिल्टियां निकल आती हैं लिम्फ बताया ना आपको और इसके बाद है जो अगला महत्वपूर्ण है जो कोढ़ जिसको लिप्रोसी कहते हैं तो देखे ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्र कह सकते हैं तो ध्यान रखेंगे ऐसे तो अंग कट कट कर के चूने लगता है अंगुलियों का कट कट कर गिरना शरीर पे सफेद दाग पड़ जाते हैं ध्यान रखेंगे और टाइफाइड रोग आजकल अक्सर देखिए बारिश के बाद खूब तेजी से फैलता है इसको टाइफी सोलो कहते हैं साल टाइफी कहते हैं देखिए लास्ट में टाइफी जुड़ा हुआ है कि नहीं तो टाइफी तो यह महत्वपूर्ण है इससे आंत इंटेस्टाइन प्रभावित होता है क्या प्रभावित होता है इंटेस्टाइन ध्यान रखेंगे इसमें भी क्या होता है बुखार का तीव्र गति से चढ़ना पेट में दिक्कत बदहजमी हो जाती है और इसका कोर्स होता है पूरा 21 दिन का तब जाके ठीक होता है और टिटनेस इसको कहते हैं क्लास्टिडियम टिटोनी इसको धनुष्टंकार रोग कहा जाता है बहुत खतरनाक रोग है शरीर ऐसे एकदम धनुष की तरह हो जाता है मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है सिकुड़ने लगती हैं शरीर का बेडोल होना भी इसको क्लासीडियम टिटेनी कहते हैं इसमें मतलब मेरूरज कह सकते हैं इसको यहाँ पर इसका जो स्पाइनल इस कॉर्ड एकदम ऐसे मतलब धनुष्टंकार रोग भी इसको कहते हैं और सबसे अंतिम है इन्फ्लुएंजा इसका जो बैक्टीरिया का नाम है फिफर्स वैसिलस तो यह हिस्से भी क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है तो इस तरह से दोस्तों यह आपको याद हो गया होगा अब हम लोग करंट अफेयर करते हैं डेली करंट अफेयर उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और जो आप लोगों पर ही पूरा आधारित रहता है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कहा हम शुरू में दो नाम तीन नाम लेते थे लेकिन अब लगातार देख रहा हूं नामों की संख्या बढ़ती जा रही है नहीं तो सारा आनंद ज्ञान रंजन साहू अब आदित्य मिली शर्मिष्ठा राउत अखिलेश मौर्य राफत प्रवीण उमर हयात संतोष कुशवाहा दीपक राठौर तो इस तरह से श्री मनीष केशु चौरसिया इन सब लोगों ने बहुत जल्दी उत्तर दिया है और मैं यही आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों ने एकदम लाइन लेंथ पकड़ लिया है क्योंकि देखिए सफलता असफलता देखिए जो हमारा प्रयास होता है अगर हम व्यवस्थित प्रयास करते हैं तो सफल होते हैं और अव्यवस्थित प्रयास करते हैं तो वही असफल हो जाते हैं तो यानी सफलता असफलता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है बस उन्होंने जैसे आप लोग बीच से कोई बच्चा सफल हो जाता है तो आप लोग सोचते हो कैसे सफल हो गया तो वो थोड़ा सा अलग हट के काम करता है तो पूरी लड़ाई ही स्ट्रेटजी की लड़ाई है अगर आप लोग इसी तरह से करते रहे तो निसंदेह रूप से मैं यही आशा करता हूं कि आगामी दिनों में आप सब कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है तो आइए हम लोग आज बात करते हैं पहला क्वेश्चन है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया कलाम द्वीप यानी उड़ीसा व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप हो गया है पोखरण में हुआ या चांदीपुर में या इनमें से कोई नहीं आपको इन्हीं में से उत्तर देना है आई एन एस का निर्माण किस एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने किया है गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता या मझगांव या हिंदुस्तान सिप या इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट है कोविड नाइन्टीन संक्रमण की त्वरित जांच के लिए कम लागत वाला उपकरण कोविराप किस संस्थान ने बनाया है विच इंस्टीट्यूट आईआईटी मुंबई आईआईटी खड़कपुर या आईटी मद्रास या आईटी दिल्ली इसी तरह से अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स को अमेरिका ने किस वर्ष प्रक्षेपित किया था बताया था ना चार साल पहले तो 2012 में 2014 में 2016 में या 2018 में नेक्स्ट है अंक टाड यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट द्वारा जो विश्व निवेश रिपोर्ट की गई है रिपोर्ट जारी की गई 2020 की यानी 2019 में भारत का कौन सा अंक था सतवां नौवा ग्यारहवां या तेरहवां अगला है टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जस किस देश की हैं अभी देखा बताया था ना संन्यास ले लिया है तो फ्रांस जर्मनी रूस या अमेरिका नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्णन नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी किस देश के हैं अर्जेंटीना चिली पुर्तगाल या फ्रांस दोस्तों दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर 22 या 23 अक्टूबर नेक्स्ट है टाइफाइड बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आत, तंत्रिका तंत्र फेफड़ा या मेरूरज इन्हीं चारों में से आपको बताना है ये इसको ठीक कर लीजिएगा ये दसवां प्रश्न है ध्यान रखिएगा हाँ यहां पर मैं लिख हुआ है दसवां प्रश्न है तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लगभग सभी भागों को कवर किया है आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप खुद और अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें थैंक यू दोस्तों